हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हम लोग इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे वर्ड टू वर्ड, और इससे पहले के जो दो चैप्टर्स हैं उनका लिंक मैं प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपने क्लास 6th में पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स जो हैं, कुछ धागे या फाइबर्स हम प्लांट से ऑप्टेन करते हैं, और जो वूल हो गया, जो ऊन हो गई, सिल्क हो गई, वो हम लोग कहाँ से ऑप्टेन करते हैं? एनिमल से ऑप्टेन करते हैं। और वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है हेयर ऑफ शीप और याक। तो जो वूल है ना, जो ऊनी कपड़े हम पहनते हैं, वो जानवरों से आते हैं, जैसे कि याक से आते हैं बहुत सारे, और शीप से आते हैं, है ना। और सिल्क जो है, सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ होता है ना, मतलब जो सिल्क का एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके बाहर, मतलब उसको हम मॉथ कहते हैं, उसके बाहर एक कुकून सा डेवलप हो जाता है, उसी से ही सिल्क निकलती है। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। और जो है शीप की बॉडी के, मतलब किस पार्ट से हम लोगों को वो मिलती है ऊन, तो देखिए ऊपर उसके, है ना, पूरा का पूरा ऊपर उसके हेयर होते हैं। और फाइबर्स जो हैं वो वूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उसको हम लोग बुन करके मार्केट में बेच सकते हैं। क्या आपको आइडिया है कि सिल्क किस तरीके से बनती है, सिल्क की साड़ी कैसे बनती है? ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर्स दो होते हैं, वूल और सिल्क, है ना। और आपने प्लांट फाइबर पिछली क्लासेस में पढ़े थे, तो प्लांट फाइबर क्या होते हैं? कॉटन हो गया, है ना, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये क्या है? ये प्लांट फाइबर है। और इस चैप्टर में हम लोग एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वूल और सिल्क के बारे में। वूल जो है ना, वो बहुत सारे जानवरों से आती है, जिसकी शीप, गोट, याक, कैमल हो गया, अलापका, लामा, है ना, बहुत सारे जो इस तरीके के एनिमल्स हैं उससे हमें वूल मिलती है। वूल जो देने वाले एनिमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी हेयर, उनके जो बॉडी के बाल होते हैं ना, वही ऊन होती है, वूल होती है। और क्योंकि इनके जो बाल काफ़ी कहीं कहीं थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, तो उससे मोटी ऊन बनती है, पतले होते हैं तो उससे पतली ऊन बनती है। तो जो हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, जो हेयर होते हैं ना, वो अपने बीच में बहुत सारी हवा को ना जमा करके रख लेते हैं। हेयर इज़ अ सॉरी एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग गर्म रह पाते हैं। तो मतलब ये अपने अंदर से हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, स्वेटर गर्मी को, हीट को अपने अंदर जमा लेता है, इसलिए हम लोगों को सर्दियों में ये गर्मी दे पाता है। और इसके बारे में, हीट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर पूरा हीट का ही है, पूरा अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो अब आगे आता है लाइक अस, जैसे कि हम लोगों की ह्यूमन्स की स्किन पर भी तो बाल होते हैं, शीप्स के भी और बाकी जानवरों के भी बाल होते हैं, किसी किसी के ज़्यादा होते हैं, तो उसी में से हम लोग ऊन निकाल लेते हैं। तो जो हेयरी स्किन ऑफ शीप जो है ना, इसमें दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। फ्लीस, फ्लीस का मतलब क्या होता है? बाल, हेयर होता है फ्लीस का मतलब। तो जो शीप होती है ना, एक उसके कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, मतलब उसकी जो दाढ़ी टाइप के बाल होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कैड़े से होते हैं, और एक होते हैं फाइन सॉफ्ट से, जो उसकी बाकी स्किन पर होते हैं। तो यही जो फाइन हेयर होते हैं ना, जो फाइन एकदम पतले अच्छे बाल होते हैं, इसकी ही हम हेल्प से ऊन बनाते हैं। ये फाइन हेयर जो है हम लोगों को फाइबर प्रोवाइड करता है वूल बनाने के लिए। कुछ ब्रीड्स जो होती है ना शीप की, उनके उन पर सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर ही होते हैं, फाइन अंडर हेयर, मतलब उनके अंदर जो हेयर होते हैं ना, वो सारे फाइन ही होते हैं, बहुत अच्छे ही होते हैं। तो इस तरीके के शीप्स को हम लोग चुनते हैं, और यही हम लोग पेरेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो आगे बच्चे पैदा हों, उनकी जो ऊन हो, उनकी जो फ्लीस हो, उनके जो बाल हों, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, ये देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, इसका आंसर यहाँ पर है। प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑप्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, ताकि जो ऑफस्प्रिंग है, जो ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे जो हैं, उसमें स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स आ जाए, वो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स आ जाए जो हमें चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट हेयर। तो इस तरीके की, मतलब हम दो पेरेंट्स को खुद ही सेलेक्ट करते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाने के लिए, ताकि जो इसकी अच्छी करेक्टरिस्टिक्स हैं और अच्छी करेक्टरिस्टिक्स इसकी भी हैं, वो इसके बच्चे में आ जाए, यानी कि सॉफ्ट हेयर इसके बच्चे को मिल जाए। इस प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस कहते हैं। एनिमल दैट यील्ड वूल, एनिमल जिनके पास वूल होती है, हमारी कंट्रीज़ में, जो हमारा देश है, इसमें काफ़ी तरीके की शीप की वैरायटीज़ हैं अलग अलग देश के हिस्सों में। तो फ्लीस, फ्लीस का मतलब क्या होता है? हेयर, बाल होता है। जो बाल होते हैं शीप के, सिर्फ शीप के ही बालों से हम लोग वूल नहीं बनाते हैं, दो वूल
कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में जो कॉमनली अवेलेबल होती है वो शीप की ही वूल होती है, मगर याक की भी वूल होती है, याक अभी हम देखेंगे। ये हमें तिब्बत लद्दाख में मिलता है, ठीक है। और मोहार की जो अंगोरा गोट्स होती हैं ये हम लोगों को जम्मू कश्मीर में मिलती हैं, इनसे भी हम लोग वूल निकालते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट, गोट के बालों से भी हम लोग वूल निकालते हैं। और जो अंडर फर होती है ना कश्मीरी गोट की, उसको हम कहते हैं पश्मीना शॉल्स। ये पश्मीना शॉल्स इतने ज़्यादा फाइन, इतने ज़्यादा गर्म होते हैं, पूरी दुनिया में इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ही महंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये जो है शॉल्स के बनते हैं पश्मीना शॉल। तो जो फर यानी कि हेयर होते हैं ना कैमल की बॉडी पर, वो भी हम लोग वूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और एग्जांपल्स हैं लामा, अल्पाका, ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं और इनके पास भी क्या होती है, वूल होती है। तो बाकी सारी तो इस पे एक्टिविटीज़ है, आपको देखिए कौन कौन से एनिमल्स के पास वूल होती है। तो देखिए अंगोरा वो गोट है, कितने सारे बाल हैं, ये तो नॉर्मल हमारी गोट जो होती है वो है। फिर कैमल के भी हेयर होते हैं, फिर याक से भी हेयर लेकर के ऊन बनाई जाती है, और लामा और अलापका, ये सारे के सारे इनसे लेकर के वूल बनाई जाती है। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फाइबर से वूल की तरफ जाना, मतलब जो धागे हैं, फाइबर हम लोगों ने निकाल लिया है जानवरों से, उससे ऊन कैसे बनती है। तो वूल शीप आर वूल जो होती है, फ्रॉम ऑप्टेनिंग वूल, वूल को ऑप्टेन करने के लिए शीप को रियर करा जाता है। रियर करने का मतलब होता है पाला जाता है, शीप को पाला जाता है, फिर उसके बाल जो है वो काटे जाते हैं, और काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस ये होता है। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, रियरिंग का मतलब होता है पालना और उसको बड़ा करना। तो काफ़ी सारे हमारे देश के स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, बहुत सारे देश यहाँ पर क्या होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं। शेफर्ड्स को हिंदी में गडरिए कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शीप्स पालते हैं। टेक देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, मतलब बहुत सारे आप लोगों ने शीप्स देखे होंगे, भेड़ देखे होंगे जो बहुत ही झुंडों में चरने के लिए जा रहे होते हैं। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, घास खाना, घास खाने के लिए जा रहे होते हैं। तो शीप्स जो है ना वो हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स का मतलब है ये सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, ये घास खाना और पत्तियाँ खाना पसंद करते हैं। ग्रेजिंग के अलावा जो इनको पालते हैं वो इनको एक मिक्सचर देते हैं जिसमें दालें होती हैं, ज्वार, कॉर्न्स और कुछ ऑयल वगैरह मिला करके इनको खिलाते हैं ताकि ऊन इनकी अच्छी हो, और काफ़ी इन्हें मिनरल्स भी दिए जाते हैं साथ में। विंटर्स में जो शीप है ना वो अंदर ही रहते हैं, मतलब बाहर नहीं जाते क्योंकि ठंड होती है, इसलिए अंदर ही रहते हैं, और अंदर ही इनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर वगैरह चारा जो आता है वो दिया जाता है। शीप जो है वो हमारे देश के कई पार्ट्स में वूल के लिए उसको पाला जाता है। और नीचे जो है ना यहाँ पर बहुत सारे हमें वैरायटी दी हुई है कि लोनी एक ब्रीड का नाम है। ब्रीड का नाम मतलब ऐसे आपको पता है डॉग्स की ब्रीड्स होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके, जैसे लेब्रा हो गया, जर्मन शेफर्ड है ना, पमेलियन वगैरह, तो इसी तरीके से इनकी भी ब्रीड होती है अलग अलग शीप्स की भी। और एक लूनी जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वूल देती है। कहाँ पे मिलती है, पंजाब राजस्थान में मिलती है। इस तरीके से हमें काफ़ी सारे शीप्स की ब्रीड बता रखी है। तो शीप्स जो है हमारे देश में पाले जाते हैं, उनकी क्वालिटी, टेक्स्चर, मतलब कितनी अच्छी है क्वालिटी, उसका टेक्स्चर छूने में कैसा है ना। सर्टेन ब्रीड जो होती हैं शीप की, उनका काफ़ी थिक, काफ़ी मोटी थिक कोट ऑफ हेयर, काफ़ी ज़्यादा हेयर होते हैं उनकी बॉडी पर, और वो गुड क्वालिटी की और बहुत ज़्यादा जो है वो वूल हमें प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसलिए हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग की हेल्प से इसी तरीके के पेरेंट्स से बच्चे पैदा करवाते हैं आगे, ताकि अच्छी क्वालिटी के ही शीप्स पैदा हो। एक बार शीप को मतलब रियर कर लिया और उसका थिक ग्रोथ हो गया, फिर उसके बाद हम लोग उसके बालों को शेव ऑफ करते हैं, जिस तरीके से आपके घर में पापा शेविंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से शेविंग की जाती है। अब यही हम पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से वूल बनाई जाती है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इंटू वूल, फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट करना। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग, जो निटिंग करने का मतलब होता है बुनना, बुनने के लिए जिस ऊन का इस्तेमाल किया जाता है, स्वेटर्स, शॉल्स वगैरह, वो काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद हमारे पास आती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। द फ्लीस, फ्लीस का मतलब होता है बाल, हेयर जो होते हैं शीप के, अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, मतलब हल्की सी ऊपर की लेयर जो होती है स्किन के साथ, और एक तरीके से उस तरह टाइप का किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग शियरिंग कहते हैं। आजकल मशीन्स से इनका मतलब
शेयरिंग की जाती है, मगर उनको कोई पेन नहीं होता है क्योंकि जो ऊपर की जो उनकी स्किन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेड होती है। शेयरिंग से शीप को कोई हर्ट नहीं होता है क्योंकि उनकी अपर मोस्ट जो लेयर होती है स्किन की वो डेड हो चुकी होती है और उनके बाल जो है ना उतार लिए जाते हैं आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। मतलब वही है कि ऊपर के जो बाल हैं वो उतार लिए जाते हैं अलॉन्ग विद स्किन, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है शियरिंग। सेकेंड स्टेप आता है शियर्ड स्किन विद हेयर। शियर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरली वॉश इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डर्ट। फिर हम लोगों ने वो जो उतार लिया है ना, जो ग्रीस वगैरह लगा होता है उस पर जो बाल उतार लिए हैं, काफ़ी गंदगी लगी होती है, फिर उसको धोने का साफ करने के प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। आजकल जो स्काउरिंग का प्रोसेस है ये मशीन से किया जाता है। तो स्काउरिंग का मतलब हो गया जो आप लोगों ने वूल निकाली है उसकी सफाई करना। फिर थर्ड स्टेप होता है सॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, जो हेयरी स्किन जो होती है, जो उतारी होती है, वो फैक्ट्रीज में भेज दी जाती है और जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं ना वो अलग कर दिए जाते हैं। मतलब कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई रफ होता है, तो कोई कर्ल, कोई स्ट्रेट है ना, इन सबको अलग अलग कर दिया जाता है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, स्मॉल पफी फाइबर्स जिनको हम बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स जो रुआ होता है ना हमारे स्वेटर्स पे जाता है वही बर होता है, इसको हम लोग पिकआउट करते हैं और दीज आर सेम बर्स जो हम लोगों के स्वेटर्स पे आ जाते हैं। फिर हम इसको क्या कर जाते हैं, स्काउरिंग की जाती है। स्काउरिंग का मतलब होता है कि अलग अलग इनको टेक्सचर्स में डिवाइड किया जाता है, इनको धो करके सुखाया जाता है और फिर ये धागे तैयार हो जाते हैं। और फाइबर्स जो हैं अलग अलग कलर में हम इनकी डाइंग कर सकते हैं। पहले हमने धो के साफ करके सुखा भी लिया, इनको अलग अलग भी कर दिया, अब हम इन पर अलग अलग कलर्स भी लगा सकते हैं। नेचुरल फ्लीस, नेचुरल हेयर जो शीप के होते हैं वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट होते हैं। फिर हम अपनी मर्जी के कलर्स भी इनमें डाल सकते हैं। फाइबर्स को फिर हम सीधा करते हैं, सीधा करने के बाद उसको रोल करते हैं अलग अलग पूरे यार्न्स में। लॉन्गर फाइबर्स जो होते हैं, जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, उनसे हम लोग ऊन बनाते हैं, वूल फॉर स्वेटर्स। मतलब जो स्वेटर्स की ऊन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको छोटे क्लोथ्स बनाने के काम में ले लिया जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस हो गया। तो आपको जो याद रखना है ना कि प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, फाइबर से वूल कैसे बनती है, तो ये वाला जो नीचे डायग्राम है ना, शियरिंग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शियरिंग करते हैं। शियरिंग के प्रोसेस में हम लोग जो है उसके बाल उतार लेते हैं। फिर स्काउरिंग, स्काउरिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले शियरिंग में हम लोगों ने बाल उतार लिए, फिर स्काउरिंग में हम लोग गंदगी साफ मतलब सफाई करते हैं। सॉर्टिंग में छोटे बड़े और सबको अलग अलग कर दिया जाता है, एक तरह से सॉर्ट कर दिया जाता है, एक जैसे बालों को एक साथ रख दिया जाता है। फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर उस पर रुए रुए से आ जाते हैं ना, उसको हटाया जाता है, फिर उसको सुखा करके सफाई करके उसकी कॉम्बिंग वगैरह कर दी जाती है, फिर डाइंग, फिर उस पर कलर भर दिया जाता है, फिर कलर भर के उसको अच्छा सीधा वगैरह करके फिर रोल करके उनके गुल्ले आपने देखे होंगे वो बना दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा वूल वाला देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिल्क वाला देख लेंगे और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।